मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-2901-701 पर। इस वीडियो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे तेलुगु भाषा में बनी एक और सुपरहिट फिल्म को। विक्रम कुमार द्वारा निर्देशित सुपरस्टार नागा चैतन्य सर की फिल्म थैंक यू मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे न्यू अपकमिंग मूवी थैंक यू, जिसे 8 जुलाई 2022 में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे थैंक यू मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट जो शायद आप उससे ना जान है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और दोस्तों आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हमारे चैनल पे मूवी फैक्ट एंड मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें थैंक यू मूवी का, डायरेक्टर विक्रम कुमार ने इस फिल्म का डायरेक्ट किए थे और वहीं इस फिल्म का पाठक का था विक्रम कुमार ने लिखे थे। फिल्म की कहानी BBS रवि द्वारा बनाई गई थी और फिल्म का प्रोड्यूसर दिल राजू सीरीसो ने इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार नागा चैतन्य, राशि खन्ना, मालविका नेहरू और अबिका गौर जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन PC श्रीराम द्वारा किया गया था और इस फिल्म का संपादित नवीन निल्लू ने इस फिल्म का संपादित किए थे। फिल्म का संगीतकार हमंसो द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफी पॉपुलर रहा था। और दोस्तों बात करें थैंक यू मूवी का उत्पादक कंपनी श्री वेंकटेश्वर PSS द्वारा उत्पादित किया गया था और 8 जुलाई 2020 में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म को भारत में रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भाषा में रिलीज होगा। थैंक यू एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका डायरेक्टर विक्रम कुमार ने BBS रवि द्वारा लिखित और कहानी से किया है। यह श्री वेंकटेश्वर PSS के तहत दिलराजू और श्री सीरीज द्वारा निर्मित है। फिल्म में नागा चैतन्य और राशि खन्ना मुख्य भूमिकाओं में है, जिसमें मालविका और नायर अबिका गौर और साई सुशांत रेड्डी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और दोस्तों थैंक यू मूवी की घोषणा अगस्त 2020 में की गई थी। फिल्म में राशि खन्ना, अबिका गौर और मालविका नायर के साथ नागा चैतन्य है। फिल्म में औपचारिक रूप से अक्टूबर 2020 में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म का संगीत एस थमन द्वारा तैयार किया जा रहा है और मुख्य फोटोग्राफी दशहरा अक्टूबर 2020 से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अंत 21 दिसंबर 2020 को शुरू हुई। और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीत फिल्मी स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम थमन एस द्वारा रचित है। संगीत अधिकार आदित्य म्यूजिक द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अक्किनेनी नागा चैतन्य एक भारतीय अभिनेता है, जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने जोश 2009 के साथ अभिनय की शुरुआत की और उनकी सफलता गौतम वासुदेव मेनन निर्देशित और ये माया चेसावे 2010 के साथ आई। अपने शुरुआती वर्षों में वह 100% लव 2011 और तड़खाम 2013 और मनम 2014 सहित सफल फिल्मों में दिखाई दिए। साथ ही कुछ फिल्मों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उन्होंने कई फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पदार्पण के लिए दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नदी पुरस्कार और
शामिल हैं। है सर्वश्रेष्ठ और अभिनेता आलोचक के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता। सुपरस्टार नागा चैतन्य को तब प्रेमम 2016 और मजली 2019, वेंकी मामा 2019, लव स्टोरी 2021 और बंगाराजू 2022 जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया गया था। उन्होंने अक्टूबर 2017 में अभिनेत्री समथा रूथ प्रभु से शादी की, लेकिन अक्टूबर 2021 में अलग हो गए थे। और दोस्तों बात करें नागा चैतन्य, सुपरस्टार नागा चैतन्य ने 2009 में वासु वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म जोश से शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक कॉलेज के छात्रा की भूमिका निभाई और एक नवोदित कलाकार के रूप में नागा चैतन्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और उनके पास ऐसे क्षण है जिसे जहां उन्होंने खुद को साबित किया है और हमेशा सुधार की गुंजाइश है और एक उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वह अपने कौशल को सुधारेंगे। और नागा चैतन्य ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्देशित 2010 के रोमांटिक ड्रामा ये माया जसावे में अभिनय किया, जिसे एक साथ तमिल में बिन्ने थाड़ी और बारुवाया के रूप में एक अलग कलाकार और चर्मोत्सव के साथ शूट किया गया था। उन्होंने एक हिंदू तेलुगु सहाय की भूमिका निभाई, जिसे एक ईसाई मलयाली लड़की से प्यार हो जाता है। और उसके सिफिया.com के एक समीक्षक ने लिखा कि नागा चैतन्य रोमांटिक दृश्य में घर पर है और उनकी संपत्ति, उनकी आवाज और उनकी आकस्मिक अभिनय सौलभ चैतन्य ने अपनी पहली फिल्म से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। 2011 में सुकुमार के साथ 100% लव नामक के एक और प्रेम कहानी के लिए जोड़ी बनाई, जिसमें उन्होंने एक अध्ययनशील और अहंकारी कॉलेज के छात्र की भूमिका निभाई, जो उनके कॉलेज का शीर्षक है। और उनकी अगली फिल्म डाडम 2011 थी। फिल्म की कहानी एक इंजीनियरिंग स्नातक छात्रा पर आधारित है, जिसे अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और अगले 10 दिनों में भारत लौटना था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, अपनी पिछली दो फिल्मों में अच्छे प्रदर्शन के बाद सुपरस्टार नागा चैतन्य की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। पूरी फिल्म के उनके चेहरे पर वही भाव रहे और उस वर्ष उनकी अगली रिलीज विवेक कृष्णा द्वारा निर्देशित बेजवाड़ा थी। फिल्म में नागा चैतन्य एक कॉलेज स्टूडेंट शो गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने इसे अपनी सबसे खराब फिल्म बताया और उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने भी आलोचना की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह फिल्म चैतन्य के करियर की सबसे खराब फिल्म कहलाने में डांड को भी पीछे छोड़ सकती है, और जबकि युवा अभिनेता को अभी भी अपने चेहरे के भाव पर काम करने की जरूरत है और वह इसमें एक खराब स्केच वाले चित्रित से दुखी था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार राशि खन्ना। दोस्तों बात करें राशि खन्ना एक भारतीय अभिनेत्री है, जिन्होंने पार्श्व गायिका जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल भाषा के फिल्मों में उद्योग में काम करती है। उन्होंने हिंदी फिल्म मद्रास कैफ 2013 के साथ सहायक भूमिका में अभिनय की शुरुआत की और बाद में तेलुगु में ओ हालू गुस्सा गुस्सा लदे 2014, तमिल में इमाइका नो
जमैका नोडी गर्ल 2018 और मलयालम में खलनायक के साथ एक महिला प्रधान के रूप में अपनी शुरुआत की। 2017 में वह बांग्ला टाइगर, 2015 सुप्रीम, 2016 जय नवकुश, 2017 होली प्रेमा, 2018 और माइका नोडी गर्ल 2018 वेंकी मा, 2019 और प्रति रोज पांगडे 2019 जैसी कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दिखाई दिए हैं। अरमानमई थीरी 2021 और खुद को तेलुगु और तमिल सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। अभिनेत्री राशि खन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जोरू 2014 से की और कई अन्य फिल्मों के लिए गाना भी गाया। राशि खन्ना का जन्म 30 नवंबर 1990 को हुआ था और वो दिल्ली के रहने वाले। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल और दिल्ली से की और लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से बीएस अंग्रेजी और नर्स में स्नातक की पढ़ाई की। और खन्ना ने अनुसार वह अकादमिक टॉपर थी और जो अपनी स्कूली शिक्षा कॉलेज के दिनों में बेहद अध्ययनशील दृढ़ थी। इनकी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा में पदार्पण और उत्थान 2013 से 2015 तक राशि खन्ना की सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित 2013 की हिंदी राजनीतिक जासूस थ्रिलर फिल्म में मद्रास कैफ के सहायक भूमिका के साथ ऑन स्क्रीन शुरुआत की, जहां उन्होंने जॉन अब्राहम द्वारा चित्रित एक भारतीय खुफिया अधिकारी की पत्नी रूबी सिंह की भूमिका निभाई, जो भी थी उत्पादन करने वाला। भूमिका निभाने से पहले उन्हें अभिनय कौशल्यों से जुड़ने की समीक्षा करते हुए एनडीटीवी की सैबल चटर्जी ने कहा कि राशि खन्ना एक समीक्षक लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति के प्रभाव डालते हैं। मद्रास का बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली हिट फिल्म रही थी और तेलुगु डेब्यू मद्रास कैफ में उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर अभिनेता श्रीनिवास और सारला ने अपने निर्देशक की पहली फिल्म हलू गुस्सा गुस्लदे में महिला प्रधान भूमिका के लिए उनसे संपर्क किया और जिसमें उन्होंने खुद को और नागा सौर्य को भी मुख्य भूमिका में दिखाया, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2013 के अंत में कई विचार करने के बाद हस्ताक्षरित किया। और अन्य दक्षिण फिल्मों ने कहा कि प्रदर्शन के दायरे ने उन्हें फिल्म साइन करने के लिए प्रेरित किया। राशि खन्ना ने शुरू में महसूस किया कि जब वर्णन किया और संपर्क किया गया तो वह अभिनय के लिए बहुत कम गुंजाइशों के साथ एक नृत्य भूमिका होगी, लेकिन उन्होंने फिल्म के हर दृश्य में अपने चरित्र को व्यवहारिक रूप से पाया और उसने अपने चरित्र को प्रभावित कहकर और एक दूसर जिद्दी अभिमानी लड़की के रूप में लेकिन एक प्यारे तरीके से, जिसे उसने वास्तविक जीवन से बहुत अलग होने का दावा किया। और उनकी अन्य भाषाओं में सफलता और आगे का उत्सव 2015 में वर्तमान उनकी अगली रिलीज संपत नदी द्वारा निर्देशित रवि तेजा के साथ बंगला टाइगर थी। फिल्म की मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही।
और इनके बेसिक स्तर पर 450 मिलियन यूएस 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और 2015 में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। 2016 में उनकी पहली रिलीज सुप्रीम थी जिसमें उन्होंने साई धर्म तेज के साथ अभिनय किया और एक व्यावसायिक सफलता थी। आलोचकों ने बेलम श्रीदेवी के रूप में उनके प्रदर्शन में उनके कॉमिक टाइमिंग की प्रशंसा की और एक पुलिस जो उल्लासित परिस्थितियों में जाती परिस्थितियों में आती है और उनकी अगली रिलीज रामपोथी नैनी के साथ दूसरी बार हाइपर थी जो श्रीमती और समीक्षाओं के लिए खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक औसत ग्रॉसर थी। 2017 में उनकी पहली रिलीज जय लौकुस थी जो एंटी रामा राव जूनियर के साथ थी और जो सकारात्मक समीक्षाओं के लिए खुली और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट 6 करोड़ से अधिक की कमाई की और बाद में उन्होंने भी उन्हीं उन्नी कृष्णा द्वारा निर्देशित मोहनलाल और विशाल अभिनेत्री विलेन के साथ मलयालम में शुरुआत की जहां उन्होंने फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें समीक्षकों ने एक सख्त जांच करने वाले पुलिस वाले के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 2017 की उनकी आखिरी रिलीज ऑक्सीजन थी जो उनके साथ दूसरे सहयोग को चिहित करती है। गोपीचंद की मिली जुली समीक्षा को मिली और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी और 2018 में उनकी पहली रिलीज टच जैसी चोड़ थी जिसमें रवि तेजा के साथ उनका दूसरा सहयोग था। हालांकि फिल्म रिलीज से पहले एक बड़े प्रचार पर चली गई लेकिन बाद में यह मिश्रित से स्थानांतर समीक्षकों से खुल गई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। एक हफ्ते की अवधि में भीतर उनकी अगली रिलीज वरुण तेज के साथ होली प्रेमा थी जिसे आलोचकों और दर्शकों के सम्मान रूप से प्रशंसा मिली। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री मालविका नायर एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्मों में दिखाई देती है। उनकी उल्लेखनीय कृतियों के ब्लैक बटरफ्लाई 2013 और कोयल 2014 शामिल है। अभिनेत्री मालविका नायर का जन्म दिल्ली में हुआ था और इनकी करियर के बारे में बात करें तो दोस्तों पढ़ाई के दौरान मालविका नायर ने मालडिंग की विभिन्न विज्ञापनों के साथ साथ मोहन और सितारा निर्देशक संगीत वीडियो में दिखाई दिए। बाद में उन्होंने अभिनय प्रस्ताव मिलने लगे और अंत में 13 साल की उम्र में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उनकी पहली कुछ फिल्मों में उनकी छोटी सहायक या छोटी भूमिकाएं थी और उत्तसव होटल में उन्होंने एक गीत अनुक्रम में एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज की जबकि पुतिया थेरंगल और कर्मयोद्धा में उन्होंने क्रमश और नेदुमुद्दी वेणु की बेटी और मोहनलाल के पत्रों की भूमिका निभाई। उनकी पहली प्रमुख भूमिका रीना के रूप में थी और एक घरेलू नौकरानी जो एक एसिड हमले का सामना करती है और मलयालम ड्रामा फिल्म ब्लैक बटरफ्लाई 2013 में वज हक्कुल 1899 की रीमेक है। ब्लैक बटरफ्लाई में उन्होंने
फिल्म ब्लैक बटरफ्लाई में प्रदर्शन देखने के बाद बालाजी शक्तिवेज शक्तिवेल और इसके मूल संस्करण के निर्देशक प्रभावित हुए और इच्छुक निर्देशक राजू मुरुंग के उन्हें अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म कोयल 2014 में कास्ट करने की सिफारिश की और उन्होंने फिल्म में एक स्वतंत्र नेत्रहीन लड़की की भूमिका निभाई और शूटिंग से पहले एक कार्यशाला में भाग लिया जहां उन्होंने नेत्रहीन लोगों के साथ बातचीत की और दिनेश के साथ जोड़ी बनाते हुए मालविका ने सुंदर थिराकोडी कोम चित्रित किया और उनके चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री अंबिका गौर एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन और तेलुगु फिल्मों में काम करती है। वह बालिका बद्धू में अनादि और ससुराल सिमर का में रोली की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। उन्होंने उदयला और जंपाला 2013 के साथ अपनी तेलुगु फिल्म की शुरुआत की जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता। उन्होंने सिनेमा 24 मावा केयर ऑफ फुट पार्ट 2 अकादमिक और पोथावु और चिन्नावद राजू गरी गड्डी 3 और नोट सहित सफल फिल्मों में अभिनय किया। वह टीवी शो में मुख्य भूमिका में भी दिखाई दी और लाडो बीरपुर की मर्दानी 2019 में गोर फियर और फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 9 पर एक प्रतियोगी थे। और अंबिका गौर का जन्म 30 जून 1997 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और उसने मुंबई के मुलुंग उपनगर में सोरनोक इंग्लिश हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता प्रकाश राज एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और राजनीतिक है। इन्होंने कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम और हिंदी भाषा की फिल्मों में उनके कामों के लिए जाना जाता है और उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 8 नकदी पुरस्कार 8 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर दक्षिण और 4 SIIM पुरस्कार शामिल है। 3 सिनेमा पुरस्कार और 3 विजय पुरस्कार। कुछ वर्षों में कन्नड़ में स्टेज शो और टेलीविजन में काम करने के बाद राज ने फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने के बालचंद्र द्वारा डुएट 1994 के माध्यम से तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की और तब से तमिल सिनेमा में एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म स्टार में रहे हैं और याद में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नाम का ड्यूट न्यूज में अपनी मित्र भाषा कन्नड़ का अलावा प्रकाश राज की तमिल तेलुगु मलयालम मराठी हिंदी और अंग्रेजी प्रवाहों ने उन्हें भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाले अभिनेताओं में रखा। और दोस्तों बात करें उनके भाई प्रसाद राज जो एक अभिनेता है उन्होंने सेट जोसेफ इंडिया हाई स्कूल स्कूली शिक्षा पूरी की और जोसेफ ने कॉलेज ऑफ कार्मर में बेंगलुरु में शामिल हो गए थे। प्रकाश राज की अपने करियर की शुरुआत जर्मनों में जब वो काला क्षेत्र और बेंगलुरु में शामिल हुए तब उन्होंने एक एक के बाद एक
स्टेज शो में 300 प्रति माह के लिए अन्य अभिनय किया और उनके खाते में 2000 एस्ट्रिस थिएटर प्रदर्शन है। और प्रकाश ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत दूरदर्शन के सीरियल जैसे विष्णु और कुदूरे कन्नड़ और गुंडा भूत तुल्लु भूमिका निभाई। उन्होंने उनकी संवाद और अदायगी और अभिनय के लिए जाना जाता है। विनोद वर्धन अभिनीत KSL स्वामी द्वारा निर्देशित हराया पुरी में अभिनय सफलता भूमिका निभाई। प्रकाश ने 1997 की MS नागाभर्म द्वारा निर्देशित नागा मंडला के माध्यम से कन्नड़ फिल्म में फिर से प्रवेश किया और जिसे 1997 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय गायकान PC श्रीराम द्वारा किया गया था और इस फिल्म का संपादित नवीन निल्लू ने इस फिल्म का संपादित किए थे। फिल्म का संगीतकार थॉमस शो द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफी पॉपुलर रहा था। और दोस्तों बात करें थैंक यू मूवी का उत्पादक कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा उत्पादित किया गया था और 8 जुलाई 2020 में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भाषा में रिलीज होगा। थैंक यू एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका डायरेक्टर विक्रम कुमार ने BBS रवि द्वारा लिखित और कहानी से किया है। यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिलराजू और श्री सीरीज द्वारा निर्मित है। फिल्म में नागा चैतन्य और राशि खन्ना मुख्य भूमिकाओं में है जिसमें मालविका और नायर अविका गौर और साई सुशांत रेड्डी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और दोस्तों थैंक यू मूवी की घोषणा अगस्त 2020 में की गई थी। फिल्म में राशि खन्ना अविका गौर और मालविका नायर के साथ नागा चैतन्य है। फिल्म में औपचारिक रूप से अक्टूबर 2020 में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म का संगीत एस थमन द्वारा तैयार किया जा रहा है और मुख्य फोटोग्राफी दशहरा अक्टूबर 2020 से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अंत 21 दिसंबर 2020 को शुरू हुई। और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीत फिल्मी स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम थॉमस एस द्वारा रचित है। संगीत अधिकार आदित्य म्यूजिक द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अक्किनेनी नागा चैतन्य एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने जोश 2009 के साथ अभिनय की शुरुआत की और उनकी सफलता गौतम वासुदेव मेनन निर्देशित और ये माया चेसावे 2010 के साथ आई। अपने शुरुआती वर्षों में वह 100% लव 2011 और तड़खाम 2013 और मनम 2014 सहित सफल फिल्मों में दिखाई दिए। साथ ही कुछ फिल्मों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उन्होंने कई फिल्म पुरस्कार जीते हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ पदार्पण के लिए दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नदी पुरस्कार और शामिल हैं। है सर्वश्रेष्ठ और अभिनेता आलोचक के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता। सुपरस्टार नागा चैतन्य को तब प्रेमम 2016 और मजली 2019, वेंकी मामा 2019, लव स्टोरी 2021 और बंगा राजू 2022 जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया गया था। उन्होंने अक्टूबर 2017 में अभिनेत्री समथा रूथ प्रभु से शादी की, लेकिन अक्टूबर 2021 में अलग हो गए थे। और दोस्तों बात करें सुपरस्टार नागा चैतन्य ने 2009 में वासु वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म जोश से शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक कॉलेज के छात्रा की भूमिका निभाई।
और एक नवोदित कलाकार के रूप में नागा चैतन्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके पास ऐसे क्षण है जिसे जहां उन्होंने खुद को साबित किया है और हमेशा सुधार की गुंजाइश है और एक उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वह अपने कौशल को सुधारेंगे और नागा चैतन्य ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पादपन के लिए दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्देशित 2010 के रोमांटिक ड्रामा ये माया जैसावे में अभिनय किया, जिसे एक साथ तमिल में बिन्ने थाड़ी और बारुवाया के रूप में एक अलग कलाकार और चर्मोत्सव के साथ शूट किया गया था। उन्होंने एक हिंदू तेलुगु सहाय की भूमिका निभाई जिसे एक ईसाई मलयाली लड़की से प्यार हो जाता है और उसके सिफिया डॉट कॉम के एक समीक्षक ने लिखा कि नागा चैतन्य रोमांटिक दृश्य में घर पर है और उनकी संपत्ति, उनकी आवाज और उनकी आकस्मिक अभिनय सौलभ चैतन्य ने अपनी पहली फिल्म से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। 2011 में सुकुमार के साथ 100% लव नामक के एक और प्रेम कहानी के लिए जोड़ी बनाई जिसमें उन्होंने एक अध्ययनशील और अहंकारी कॉलेज के छात्र की भूमिका निभाई जो उनके कॉलेज का शीर्षक है और उनकी अगली फिल्म डाडम 2011 थी। फिल्म की कहानी एक इंजीनियरिंग स्नातक छात्रा पर आधारित है जिसे अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और अगले 10 दिनों में भारत लौटना था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, अपनी पिछली दो फिल्मों में अच्छे प्रदर्शन के बाद सुपरस्टार नागा चैतन्य की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। पूरी फिल्म के उनके चेहरे पर वही भाव रहे और उस वर्ष उनकी अगली रिलीज विवेक कृष्णा द्वारा निर्देशित बेजवाड़ा थी। फिल्म में नागा चैतन्य एक कॉलेज स्टूडेंट शो गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने इसे अपनी सबसे खराब फिल्म बताया और उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने भी आलोचना की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह फिल्म चैतन्य के करियर की सबसे खराब फिल्म कहलाने में डांड को भी पीछे छोड़ सकती है और जबकि युवा अभिनेता को अभी भी अपने चेहरे के भाव पर काम करने की जरूरत है और वह इसमें एक खराब स्केच वाले चित्रित से दुखी था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार राशि खन्ना। राशि खन्ना एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने पार्श्व गायिका जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल भाषा के फिल्मों में उद्योग में काम करती है। उन्होंने हिंदी फिल्म मद्रास कैफ 2013 के साथ सहायक भूमिका में अभिनय की शुरुआत की और बाद में तेलुगु में ओहालू गुस्सा गुस दले गुस्सा गुस लदे 2014 तमिल में इमाइका नोडीगल 2018 और मलयालम में खलनायक के साथ एक महिला प्रधान के रूप में अपनी शुरुआत की। 2017 में वह बांग्ला टाइगर, 2015 सुप्रीम, 2016 जय लवकुश, 2017 थोली प्रेमा, 2018 और माइका नोडी गर्ल 2018 वेंकी मामा 2019 और प्रति रोज पांगडे 2019 जैसी कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दिखाई दिए हैं। अरमानमई थीरी 2021 और खुद को तेलुगु और तमिल सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है।
अभिनेत्री राशि खन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जोरू 2014 से की और कई अन्य फिल्मों के लिए गाना भी गाया। राशि खन्ना का जन्म 30 नवंबर 1990 को हुआ था और वो दिल्ली के रहने वाले। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल और दिल्ली से की और लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से बीएस अंग्रेजी और नर्स में स्नातक की पढ़ाई की। और खन्ना ने अनुसार वह अकादमिक टॉपर थी और जो अपनी स्कूली शिक्षा कॉलेज के दिनों में बेहद अध्ययनशील धूर्त थी। इनकी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा में पदार्पण और उत्थान 2013 से 2015 तक। राशि खन्ना की सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित 2013 की हिंदी राजनीतिक जासूस थ्रिलर फिल्म में मद्रास कैफ के सहायक भूमिका के साथ ऑन स्क्रीन शुरुआत की, जहां उन्होंने जॉन अब्राहम द्वारा चित्रित एक भारतीय खुफिया अधिकारी की पत्नी रूबी सिंह की भूमिका निभाई, जो भी थी उत्पादन करने वाला। भूमिका निभाने से पहले उन्हें अभिनय कौशल्यों से जुड़ने की समीक्षा करते हुए एनडीटीवी की सैबल चटर्जी ने कहा कि राशि खन्ना एक समीक्षक लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति के प्रभाव डालते हैं। मद्रास कैफ बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली हिट फिल्म रही थी और तेलुगु डेब्यू मद्रास कैफ में उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर अभिनेता श्रीनिवास और सारला ने अपने निर्देशक की पहली फिल्म ओहालू गुस्सा गुस्लदे में महिला प्रधान भूमिका के लिए उनसे संपर्क किया और जिसने उन्होंने खुद को और नागा सौर्य को भी मुख्य भूमिका में दिखाया, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2013 के अंत में कई विचार करने के बाद हस्ताक्षरित किया। और अन्य दक्षिण फिल्मों ने कहा कि प्रदर्शन के दायरे ने उन्हें फिल्म साइन करने के लिए प्रेरित किया। राशि खन्ना ने शुरू में महसूस किया कि जब वर्णन किया और संपर्क किया गया तो वह अभिनय के लिए बहुत कम गुंजाइशों के साथ एक नृत्य भूमिका होगी, लेकिन उन्होंने फिल्म के हर दृश्य में अपने चरित्र को व्यवहारिक रूप से पाया और उसने अपने चरित्र को प्रभावित कहकर और एक धूसर जिद्दी अभिमानी लड़की के रूप में लेकिन एक प्यारे तरीके से, जिसे उसने वास्तविक जीवन से बहुत अलग होने का दावा किया। और उनकी अन्य भाषाओं में सफलता और आगे का उत्सव 2015 में वर्तमान उनकी अगली रिलीज संपत नदी द्वारा निर्देशित रवि तेजा के साथ बंगला टाइगर थी। फिल्म की मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और इनके वैश्विक स्तर पर 450 मिलियन यूएस 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और 2015 में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। 2016 में उनकी पहली रिलीज सुप्रीम थी, जिसमें उन्होंने साई धर्म तेज के साथ अभिनय किया और एक व्यावसायिक सफलता थी। आलोचकों ने बेलम श्रीदेवी के रूप में उनके प्रदर्शन में उनके कॉमिक टाइमिंग की प्रशंसा की और एक पुलिस जो उल्लासित परिस्थितियों में आती है और उनकी अगली रिलीज रामपोथी नैनी के साथ दूसरी बार हाइपर थी, जो श्रीमती और समीक्षाओं के लिए
खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक औसत ग्रॉसर थी। 2017 में उनकी पहली रिलीज जय लवकुश थी, जो एंटी रामा राव जूनियर के साथ थी और जो सकारात्मक समीक्षाओं के लिए खुली और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट 6 करोड़ से अधिक की कमाई की। और बाद में उन्होंने उन्हीं उन्नी कृष्णा द्वारा निर्देशित मोहन लाल और विशाल अभिनेत्री विलेन के साथ मलयालम में शुरुआत की, जहां उन्होंने फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें समीक्षकों ने एक सख्त जांच करने वाले पुलिस वाले के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 2017 की उनकी आखिरी रिलीज ऑक्सीजन थी, जो उनके साथ दूसरे सहयोग को चिहित करती है। गोपीचंद की मिली जुली समीक्षा को मिली और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी और 2018 में उनकी पहली रिलीज टच जैसी चोट थी, जिसमें रवि तेजा के साथ उनका दूसरा सहयोग था। हालांकि फिल्म रिलीज से पहले एक बड़े प्रचार पर चली गई, लेकिन बाद में यह मिश्रित से स्थानांतर समीक्षकों से खुल गई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। एक हफ्ते की अवधि में भीतर उनकी अगली रिलीज वरुण तेज के साथ होली प्रेमा थी, जिसे आलोचकों और दर्शकों के सम्मान रूप से प्रशंसा मिली। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री मालविका नायर एक भारतीय अभिनेत्री है, जो तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्मों में दिखाई देती है। उनकी उल्लेखनीय कृतियों के ब्लैक बटरफ्लाई 2013 और कोयल 2014 शामिल है। अभिनेत्री मालविका नायर का जन्म दिल्ली में हुआ था और इनकी करियर के बारे में बात करें तो दोस्तों पढ़ाई के दौरान मालविका नायर ने मालडिंग की विभिन्न विज्ञापनों के साथ साथ मोहन और सितारा निर्देशक संगीत वीडियो में दिखाई दिए। बाद में उन्होंने अभिनय प्रस्ताव मिलने लगे और अंत में 13 साल की उम्र में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उनकी छोटी सहायक या छोटी भूमिकाएं थी और उत्तसव होटल में उन्होंने एक गीत अनुक्रम में एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज की, जबकि पुतिया थेरंगल और कर्म योद्धा में उन्होंने क्रमश और नेदुमुद्दी वेनु की बेटी और मोहनलाल के पत्रों की भूमिका निभाई। उनकी पहली प्रमुख भूमिका रीना के रूप में थी और एक घरेलू नौकरानी जो एक एसिड हमले का सामना करती है। और मलयालम ड्रामा फिल्म ब्लैक बटरफ्लाई 2013 में वह 1899 की रीमेक है। ब्लैक बटरफ्लाई में प्रदर्शन देखने के बाद बालाजी शक्तिवेल और इसके मूल संस्करण के निर्देशक प्रभावित हुए और इच्छुक निर्देशक राजू मुरुंग के उन्हें अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म कोयल 2014 में कास्ट करने की सिफारिश की और उन्होंने फिल्म में एक स्वतंत्र नेत्रहीन लड़की की भूमिका निभाई। और शूटिंग से पहले एक कार्यशाला में भाग लिया, जहां उन्होंने नेत्रहीन लोगों के साथ बातचीत की और दिनेश के साथ जोड़ी बनाते हुए मालविका ने सुंदर थिराकोडी कोम चित्रित किया और उनके चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की।
और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री अंबिका गौर। अंबिका गौर एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन और तेलुगु फिल्मों में काम करती है। वह बालिका बद्धू में अनादि और ससुराल सिमर का में रोली की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। उन्होंने उदयला और जंपाला 2013 के साथ अपनी तेलुगु फिल्म की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पर्दापण तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता। उन्होंने सिनेमा 24 मावा केयर और फुटपाथ 2 अकादमिक और पोथावु और चिन्नावद राजू गरी गड्डी 3 और नोट सहित सफल फिल्मों में अभिनय किया। वह टीवी शो में मुख्य भूमिका में भी दिखाई दी और लाडो बीरपुर की मर्दानी 2019 में गोर फियर और फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 9 पर एक प्रतियोगी थे। और अंबिका गौर का जन्म 30 जून 1997 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और उसने मुंबई के मुलुंग उपनगर में सोरनोक इंग्लिश हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता प्रकाश राज एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और राजनीतिक है। इन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषा की फिल्मों में उनके कामों के लिए जाना जाता है और उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 8 नदी पुरस्कार, 8 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर दक्षिण और 4 SIIM पुरस्कार शामिल है। 3 सिनेमा पुरस्कार और 3 विजय पुरस्कार। कुछ वर्षों में कन्नड़ में स्टेज शो और टेलीविजन में काम करने के बाद राज ने फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने के बालचंद्र द्वारा डुएट 1994 के माध्यम से तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की और तब से तमिल सिनेमा में एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म स्टार में रहे हैं। और याद में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नाम का ड्यूट न्यूज में अपनी मित्र भाषा कन्नड़ के अलावा प्रकाश राज की तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी प्रवाहों ने उन्हें भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाले अभिनेताओं में रखा। और दोस्तों बात करें उनके भाई प्रसाद राज जो एक अभिनेता है, उन्होंने सेट जोसेफ इंडिया हाई स्कूल स्कूली शिक्षा पूरी की और जोसेफ ने कॉलेज ऑफ कार्मर में बेंगलुरु में शामिल हो गए थे। प्रकाश राज की अपने करियर की शुरुआत जर्मनों में जब वो काला क्षेत्र और बेंगलुरु में शामिल हुए तब उन्होंने एक के बाद एक स्टेज शो में 300 प्रति माह के लिए अन्य अभिनय किया और उनके खाते में 2000 एस्ट्रिज थिएटर प्रदर्शन है। और प्रकाश ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत दूरदर्शन के सीरियल जैसे बिस्लु और कुदूरे कन्नड़ और गुंडा भूत तुल्लु भूमिका निभाई। उन्होंने उनकी संवाद और अदायगी और अभिनय के लिए जाना जाता है। विनोदवर्धन अभिनीति के एस एल स्वामी द्वारा निर्देशित हराया पुरी में अभिनय सफलता भूमिका निभाई।
प्रकाश ने 1997 की MS नागाभर्म द्वारा निर्देशित नागा मंडला के माध्यम से कन्नड़ फिल्म में फिर से प्रवेश किया और जिसे 1997 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय पैनोरमा के लिए चुना गया था और वह मणि रत्न के एस्टोसो नेत्रु इंद्रु। दोस्तों बात करें थैंक यू मूवी का डायरेक्टर विक्रम कुमार ने इस फिल्म का डायरेक्ट किए थे और वहीं इस फिल्म का पाठक कथा विक्रम कुमार ने लिखे थे। फिल्म की कहानी BVS रवि द्वारा बनाई गई थी और फिल्म का प्रोड्यूसर दिलराजू सिरिसो ने इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार नागा चैतन्य, राशि खन्ना, मालविका नेरूर और अबिका गौर जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों बात करें इस फिल्म का छायांकन PC श्रीराम द्वारा किया गया था और इस फिल्म का संपादित नवीन निल्लू ने इस फिल्म का संपादित किए थे। फिल्म का संगीतकार थॉमस शो द्वारा दिया गया था जो संगीत काफी पॉपुलर रहा था। और दोस्तों बात करें थैंक यू मूवी का उत्पादक कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस द्वारा उत्पादित किया गया था और 8 जुलाई 2020 में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म को भारत में रिलीज किया जाएगा और तेलुगु भाषा में रिलीज होगा। थैंक यू एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका डायरेक्टर विक्रम कुमार ने BVS रवि द्वारा लिखित और कहानी से किया है। यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिलराजू और श्री द्वारा निर्मित है। फिल्म में नागा चैतन्य और राशि खन्ना मुख्य भूमिकाओं में है जिसमें मालविका और नायर अबिका गौर और साई सुशांत रेड्डी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और दोस्तों थैंक यू मूवी की घोषणा अगस्त 2020 में की गई थी। फिल्म में राशि खन्ना, अबिका गौर और मालविका नायर के साथ नागा चैतन्य है। फिल्म में औपचारिक रूप से अक्टूबर 2020 में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म का संगीत एस थमन द्वारा तैयार किया जा रहा है और मुख्य फोटोग्राफी दशहरा अक्टूबर 2020 से शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन अंत 21 दिसंबर 2020 को शुरू हुई। और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीत फिल्मी स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम थॉमस एस द्वारा रचित है। संगीत अधिकार आदित्य म्यूजिक द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अक्किनेनी नागा चैतन्य एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने जो 2009 के साथ अभिनय की शुरुआत की और उनकी सफलता गौतम वासुदेव मेनन निर्देशित और ये माया चेसावे 2010 के साथ आई। अपने शुरुआती वर्षों में वह 100% लव 2011 और तड़खाम 2013 और मनम 2014 सहित सफल फिल्मों में दिखाई दिए। साथ ही कुछ फिल्मों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उन्होंने कई फिल्म पुरस्कार जीते हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ पदार्पण के लिए दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नदी पुरस्कार और शामिल है सर्वश्रेष्ठ और अभिनेता आलोचक के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता। सुपरस्टार नागा चैतन्य को तब प्रेमम 2016 और मजली 2019, वेंकी मामा 2019, लव स्टोरी 2021 और बंगा राजू 2022 जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया गया था। उन्होंने अक्टूबर 2017 में अभिनेत्री समथा रूथ प्रभु से शादी की लेकिन अक्टूबर 2021 में अलग हो गए थे। और दोस्तों बात करें सुपरस्टार नागा चैतन्य ने 2009 में वासु वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म जोश से शुरुआत की जिसमें उन्होंने एक कॉलेज के छात्रा की भूमिका निभाई और एक नवोदित कलाकार के रूप में नागा चैतन्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके पास
ऐसे क्षण क्षण है जिसे जहाँ उन्होंने खुद को साबित किया है और हमेशा सुधार की गुंजाइश है और एक उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वह अपने कौशल को सुधारेंगे और नागा चैतन्य ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्देशित 2010 के रोमांटिक ड्रामा ये माया जैसावे में अभिनय किया, जिसे एक साथ तमिल में बिने थाड़ी और बारुवाया के रूप में एक अलग कलाकार और चर्मोत्सव के साथ शूट किया गया था। उन्होंने एक हिंदू तेलुगु सहाय की भूमिका निभाई जिसे एक ईसाई मलयाली लड़की से प्यार हो जाता है और उसके सेफिया.com के एक समीक्षक ने लिखा कि नागा चैतन्य रोमांटिक दृश्य में घर पर है और उनकी संपत्ति, उनकी आवाज और उनकी आकस्मिक अभिनय सोलो चैतन्य ने अपनी पहली फिल्म से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। 2011 में सुकुमार के साथ 100% लव नामक के एक और प्रेम कहानी के लिए जोड़ी बनाई, जिसमें उन्होंने एक अध्ययनशील और अहंकारी कॉलेज के छात्र की भूमिका निभाई जो उनके कॉलेज का शीर्षक है और उनकी अगली फिल्म डाडम 2011 थी। फिल्म की कहानी एक इंजीनियरिंग स्नातक छात्रा पर आधारित है जिसे अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और अगले 10 दिनों में भारत लौटना था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, अपनी पिछली दो फिल्मों में अच्छे प्रदर्शन के बाद सुपरस्टार नागा चैतन्य की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। पूरी फिल्म के उनके चेहरे पर वही भाव रहे और उस वर्ष उनकी अगली रिलीज विवेक कृष्णा द्वारा निर्देशित बेजवाड़ा थी। फिल्म में नागा चैतन्य एक कॉलेज स्टूडेंट शो गैस्टर की भूमिका निभाई थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने इसे अपनी सबसे खराब फिल्म बताया और उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने भी आलोचना की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह फिल्म चैतन्य के करियर की सबसे खराब फिल्म कहलाने में डांड को भी पीछे छोड़ सकती है और जबकि युवा अभिनेता को अभी भी अपने चेहरे के भाव पर काम करने की जरूरत है और वह इसमें एक खराब स्केच वाले चित्रित से दुखी था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार राशि खन्ना। राशि खन्ना एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने पार्श्व गायिका जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल भाषा के फिल्मों में उद्योग में काम करती है। उन्होंने हिंदी फिल्म मद्रास कैफ 2013 के साथ सहायक भूमिका में अभिनय की शुरुआत की और बाद में तेलुगु में ओ हालू गुस्सा गुस्सा लदे 2014, तमिल में इमाइका नोडिगल 2018 और मलयालम में खलनायक के साथ एक महिला प्रधान के रूप में अपनी शुरुआत की। 2017 में वह बांग्ला टाइगर, 2015 सुप्रीम, 2016 जय लवकुश, 2017 थोली प्रेमा, 2018 और माइका नोडी गर्ल 2018 वेंकी मामा 2019 और प्रतिरोजू पांगडे 2019 जैसी कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दिखाई दिए हैं। अरमानमई थ्री 2021 और खुद को तेलुगु और तमिल सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है।
अभिनेत्री राशि खन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जोरू 2014 से की और कई अन्य फिल्मों के लिए गाना भी गाया। राशि खन्ना का जन्म 30 नवंबर 1990 को हुआ था और वो दिल्ली के रहने वाले। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल और दिल्ली से की और लेडी श्री राम कॉलेज श्री राम कॉलेज दिल्ली से बीएस अंग्रेजी और नर्स में स्नातक की पढ़ाई की। और खन्ना ने अनुसार वह अकादमिक टॉपर थी और जो अपनी स्कूली शिक्षा कॉलेज के दिनों में बेहद अध्ययनशील धुर्द थी। इनकी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा में पर्दापण और उत्थान 2013 से 2015 तक। राशि खन्ना की सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित 2013 की हिंदी राजनीतिक जासूस थ्रिलर फिल्म में मद्रास कैफ के सहायक भूमिका के साथ ऑन स्क्रीन शुरुआत की, जहां उन्होंने जॉन अब्राहम द्वारा चित्रित एक भारतीय खुफिया अधिकारी की पत्नी रूबी सिंह की भूमिका निभाई, जो भी थी उत्पादन करने वाला। भूमिका निभाने से पहले उन्हें अभिनय कौशल्यों से जुड़ने की समीक्षा करते हुए एनडीटीवी की सैबल चटर्जी ने कहा कि राशि खन्ना एक समीक्षक लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति के प्रभाव डालते हैं। मद्रास का बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली हिट फिल्म रही थी और तेलुगु डेब्यू मद्रास कैफ में उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर अभिनेता श्रीनिवास और सारला ने अपने निर्देशक की पहली फिल्म ओहालू गुस्सा गुस्लदे में महिला प्रधान भूमिका के लिए उनसे संपर्क किया और जिसने उन्होंने खुद को और नागा सौर्य को भी मुख्य भूमिका में दिखाया, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2013 के अंत में कई विचार करने के बाद हस्ताक्षरित किया। और अन्य दक्षिण फिल्मों ने कहा कि प्रदर्शन के दायरे ने उन्हें फिल्म साइन करने के लिए प्रेरित किया। राशि खन्ना ने शुरू में महसूस किया कि जब वर्णन किया और संपर्क किया गया तो वह अभिनय के लिए बहुत कम गुंजाइशों के साथ एक नृत्य भूमिका होगी, लेकिन उन्होंने फिल्म के हर दृश्य में अपने चरित्र को व्यवहारिक रूप से पाया और उसने अपने चरित्र को प्रभावित कहकर और एक धूसर जिद्दी अभिमानी लड़की के रूप में लेकिन एक प्यारे तरीके से, जिसे उसने वास्तविक जीवन से बहुत अलग होने का दावा किया। और उनकी अन्य भाषाओं में सफलता और आगे का उत्सव 2015 में वर्तमान उनकी अगली रिलीज संपत नदी द्वारा निर्देशित रवि तेजा के साथ बंगला टाइगर थी। फिल्म की मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और इनके बेसिक स्तर पर 450 मिलियन यूएस 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और 2015 में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। 2016 में उनकी पहली रिलीज सुप्रीम थी, जिसमें उन्होंने साई धर्म तेज के साथ अभिनय किया और एक व्यावसायिक सफलता थी। आलोचकों ने बेलम श्रीदेवी के रूप में उनके प्रदर्शन में उनके कॉमिक टाइमिंग की प्रशंसा की और एक पुलिस जो उल्लासित परिस्थितियों में आती है और उनकी अगली रिलीज रामपोथी नैनी के साथ दूसरी बार हाइपर थी, जो श्रीमती और समीक्षाओं के लिए
खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक औसत ग्रॉसर थी। 2017 में उनकी पहली रिलीज जय लवकुश थी जो एंटी रामा राव जूनियर के साथ थी और जो सकारात्मक समीक्षाओं के लिए खुली और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। और बाद में उन्होंने उन्हीं उन्नी कृष्णा द्वारा निर्देशित मोहनलाल और विशाल अभिनेता विलेन के साथ मलयालम में शुरुआत की, जहां उन्होंने फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें समीक्षकों ने एक सख्त जांच करने वाले पुलिस वाले के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 2017 की उनकी आखिरी रिलीज ऑक्सीजन थी, जो उनके साथ दूसरे सहयोग को चिहित करती है। गोपीचंद की मिली जुली समीक्षा को मिली और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी और 2018 में उनकी पहली रिलीज टच जैसी चोड़ थी, जिसमें रवि तेजा के साथ उनका दूसरा सहयोग था। हालांकि फिल्म रिलीज से पहले एक बड़े प्रचार पर चली गई, लेकिन बाद में यह मिश्रित से स्थानांतर समीक्षकों से खुल गई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। एक हफ्ते की अवधि में भीतर उनकी अगली रिलीज वरुण तेज के साथ होली प्रेमा थी, जिसे आलोचकों और दर्शकों के सम्मान रूप से प्रशंसा मिली। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री मालविका नायर एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्मों में दिखाई देती है। उनकी उल्लेखनीय कृतियों के ब्लैक बटरफ्लाई 2013 और कोयल 2014 शामिल है। अभिनेत्री मालविका नायर का जन्म दिल्ली में हुआ था और इनकी करियर के बारे में बात करें तो दोस्तों पढ़ाई के दौरान मालविका नायर ने मालडिंग की विभिन्न विज्ञापनों के साथ साथ मोहन और सितारा निर्देशक संगीत वीडियो में दिखाई दिए। बाद में उन्होंने अभिनय प्रस्ताव मिलने लगे और अंत में 13 साल की उम्र में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उनकी छोटी सहायक या छोटी भूमिकाएं थी और उत्तसव होटल में उन्होंने एक गीत अनुक्रम में एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज की, जबकि पुतिया थेरंगल और कर्म योद्धा में उन्होंने क्रमश और नेदुमुद्दी वेनु की बेटी और मोहनलाल के पत्रों की भूमिका निभाई। उनकी पहली प्रमुख भूमिका रीना के रूप में थी और एक घरेलू नौकरानी जो एक एसिड हमले का सामना करती है। और मलयालम ड्रामा फिल्म ब्लैक बटरफ्लाई 2013 में वज हक्कुल 1899 की रीमेक है। फिल्म ब्लैक बटरफ्लाई में प्रदर्शन देखने के बाद बालाजी शक्तिवेल और इसके मूल संस्करण के निर्देशक प्रभावित हुए और इच्छुक निर्देशक राजू मुरुंग के उन्हें अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म कोयल 2014 में कास्ट करने की सिफारिश की और उन्होंने फिल्म में एक स्वतंत्र नेत्रहीन लड़की की भूमिका निभाई। और शूटिंग से पहले एक कार्यशाला में भाग लिया, जहां उन्होंने नेत्रहीन लोगों के साथ बातचीत की और दिनेश के साथ जोड़ी बनाते हुए मालविका ने सुंदर थिराकोडी कोम चित्रित किया और उनके चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की।
और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री अंबिका गौर। अंबिका गौर एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन और तेलुगु फिल्मों में काम करती है। वह बालिका बद्धू में अनादि और ससुराल सिमर का में रोली की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। उन्होंने उदयला और जंपाला 2013 के साथ अपनी तेलुगु फिल्म की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पर्दापण तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता। उन्होंने सिनेमा 24 मावा केयर ऑफ फुट पार्ट 2 अकादमिक और पोथावु और चिन्नावद राजू गरी गड्डी 3 और नोट सहित सफल फिल्मों में अभिनय किया। वह टीवी शो में मुख्य भूमिका में भी दिखाई दी और लाडो बीरपुर की मर्दानी 2019 में गोर फियर और फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 9 पर एक प्रतियोगी थे। और अंबिका गौर का जन्म 30 जून 1997 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और उसने मुंबई के मुलुंग उपनगर में सोरनोक इंग्लिश हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता प्रकाश राज एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और राजनीतिक है। इन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषा की फिल्मों में उनके कामों के लिए जाना जाता है और उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 8 नदी पुरस्कार, 8 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर दक्षिण और 4 एस आई एम पुरस्कार शामिल है। 3 सिनेमा पुरस्कार और 3 विजय पुरस्कार। कुछ वर्षों में कन्नड़ में स्टेज शो और टेलीविजन में काम करने के बाद राज ने फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने के बालचंद्र द्वारा डुएट 1994 के माध्यम से तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की और तब से तमिल सिनेमा में एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म स्टार में रहे हैं। और याद में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नाम का ड्यूट न्यूज में अपनी मित्र भाषा कन्नड़ का अलावा प्रकाश राज की तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी प्रवाहों ने उन्हें भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाले अभिनेताओं में रखा। और दोस्तों बात करें उनके भाई प्रसाद राज जो एक अभिनेता है, उन्होंने सेट जोसेफ इंडिया हाई स्कूल स्कूली शिक्षा पूरी की और जोसेफ ने कॉलेज ऑफ कार्मर में बेंगलुरु में शामिल हो गए थे। प्रकाश राज की अपने करियर की शुरुआत जर्मनों में जब वो काला क्षेत्र और बेंगलुरु में शामिल हुए तब उन्होंने एक के बाद एक स्टेज शो में 300 प्रति माह के लिए अन्य अभिनय किया और उनके खाते में 2000 एस्ट्रिस थिएटर प्रदर्शन है। और प्रकाश ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत दूरदर्शन के सीरियल जैसे बिस्लु और कुद्दू रे कन्नड़ और गुंडा भूत तुल्लू भूमिका निभाई। उन्होंने उनकी संवाद और अदायगी और अभिनय के लिए जाना जाता है। विनोदवर्धन अभिनीत के एस एल स्वामी द्वारा निर्देशित हराया पुरी में अभिनय सफलता भूमिका निभाई।
प्रकाश ने 1997 की MS नागाभर्म द्वारा निर्देशित नागा मंडला के माध्यम से कन्नड़ फिल्म में फिर से प्रवेश किया और जिसे 1997 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय पैनोरमा के लिए चुना गया था और वह मणि रत्न के एस्टो शो नेत्रु इंद्रु रामचंद्रन और एम करुणा निधि के बीच संबंध और जिसका डायरेक्टर विक्रम कुमार ने BBS रवि द्वारा लिखित और कहानी से किया है। यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिलराजू और श्री सीरीज द्वारा निर्मित है। फिल्म में नागा चैतन्य और राशि खन्ना मुख्य भूमिकाओं में है जिसमें मालविका और नायर अविका गौर और साई सुशांत रेड्डी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और दोस्तों, थैंक यू मूवी की घोषणा अगस्त 2020 में की गई थी। फिल्म में राशि खन्ना, अविका गौर और मालविका नायर के साथ नागा चैतन्य है। फिल्म में औपचारिक रूप से अक्टूबर 2020 में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म का संगीत एस थमन द्वारा तैयार किया जा रहा है और मुख्य फोटोग्राफी दशहरा अक्टूबर 2020 से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अंत 21 दिसंबर 2020 को शुरू हुई। और दोस्तों, बात करें फिल्म का संगीत फिल्मी स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम थमन एस द्वारा रचित है। संगीत अधिकार आदित्य म्यूजिक द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अक्किनेनी, नागा चैतन्य एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने जोश 2009 के साथ अभिनय की शुरुआत की और उनकी सफलता गौतम वासुदेव मेनन निर्देशित और ये माया चेसावे 2010 के साथ आई। अपने शुरुआती वर्षों में वह 100% लव 2011 और तड़खाम 2013 और मनम 2014 सहित सफल फिल्मों में दिखाई दिए। साथ ही कुछ फिल्मों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उन्होंने कई फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पदार्पण के लिए दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नदी पुरस्कार और शामिल है सर्वश्रेष्ठ और अभिनेता आलोचक के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता। सुपरस्टार नागा चैतन्य को तब प्रेमम 2016 और मजली 2019, वेंकी मामा 2019, लव स्टोरी 2021 और बंगा राजू 2022 जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया गया था। उन्होंने अक्टूबर 2017 में अभिनेत्री समथा रूथ प्रभु से शादी की, लेकिन अक्टूबर 2021 में अलग हो गए थे। और दोस्तों, बात करें सुपरस्टार नागा चैतन्य ने 2009 में वासु वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म में जोश से शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक कॉलेज के छात्रा की भूमिका निभाई और एक नवोदित कलाकार के रूप में नागा चैतन्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके पास ऐसे क्षण है जहां उन्होंने खुद को साबित किया है और हमेशा सुधार की गुंजाइश है और एक उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वह अपने कौशल को सुधारेंगे और नागा चैतन्य ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्देशित 2010 के रोमांटिक ड्रामा ये माया जैसावे में अभिनय किया, जिसे एक साथ तमिल में बिन्ने थाड़ी और बारुवाया के रूप में एक अलग कलाकार और चर्मोत्सव के साथ शूट किया गया था। उन्होंने एक हिंदू तेलुगु सहाय की भूमिका निभाई, जिसे एक ईसाई मलयाली लड़की से प्यार हो जाता है।
और उसके सोफिया डॉट कॉम के एक समीक्षक ने लिखा कि नागा चैतन्य रोमांटिक दृश्य में घर पर है और उनकी संपत्ति उनकी आवाज और उनकी आकस्मिक अभिनय सोलो चैतन्य ने अपनी पहली फिल्म से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। 2011 में सुकुमार के साथ 100% लव नामक के एक और प्रेम कहानी के लिए जोड़ी बनाई जिसमें उन्होंने एक अध्ययनशील और अहंकारी कॉलेज के छात्र की भूमिका निभाई जो उनके कॉलेज का शीर्षक है। और उनकी अगली फिल्म डाडम 2011 थी। फिल्म की कहानी एक इंजीनियरिंग स्नातक छात्रा पर आधारित है जिसे अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और अगले 10 दिनों में भारत लौटना था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा अपनी पिछली दो फिल्मों में अच्छे प्रदर्शन के बाद सुपरस्टार नागा चैतन्य की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। पूरी फिल्म के उनके चेहरे पर वही भाव रहे और उस वर्ष उनकी अगली रिलीज विवेक कृष्णा द्वारा निर्देशित बेजवाड़ा थी। फिल्म में नागा चैतन्य एक कॉलेज स्टूडेंट शो गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने इसे अपनी सबसे खराब फिल्म बताया और उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने भी आलोचना की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह फिल्म चैतन्य के करियर की सबसे खराब फिल्म कहलाने में डांड को भी पीछे छोड़ सकती है और जबकि युवा अभिनेता को अभी भी अपने चेहरे के भाव पर काम करने की जरूरत है और वह इसमें एक खराब स्केच वाले चित्रित से दुखी था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार राशि खन्ना। दोस्तों बात करें राशि खन्ना एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने पार्श्व गायिका जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल भाषा के फिल्मों में उद्योग में काम करती है। उन्होंने हिंदी फिल्म मद्रास कैफ 2013 के साथ सहायक भूमिका में अभिनय की शुरुआत की और बाद में तेलुगु में ओ हालू गुस्सा गुस्सा लदे 2014 तमिल में इमाइका नोडीगल 2018 और मलयालम में खलनायक के साथ एक महिला प्रधान के रूप में अपनी शुरुआत की। 2017 में वह बांग्ला टाइगर 2015 सुप्रीम 2016 जय लवकुश 2017 थोली प्रेमा 2018 और माइका नोडी गर्ल 2018 वेंकी माँ 2019 और प्रति रोजू पांगडे 2019 जैसी कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दिखाई दिए हैं। अरमानमई थीरी 2021 और खुद को तेलुगु और तमिल सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। अभिनेत्री राशि खन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जोरू 2014 से की और कई अन्य फिल्मों के लिए गाना भी गाया। राशि खन्ना का जन्म 30 नवंबर 1990 को हुआ था और वो दिल्ली के रहने वाले। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल और दिल्ली से की और लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से बीएस अंग्रेजी और नर्स में स्नातक की पढ़ाई की। और खन्ना ने अनुसार वह अकादमिक टॉपर थी और जो अपनी स्कूली शिक्षा कॉलेज के दिनों में बेहद अध्ययनशील धूर्त थी। इनकी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा में पदार्पण और उत्थान 2013 से 2015 तक
राशि खन्ना की सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित 2013 की हिंदी राजनीतिक जासूस थ्रिलर फिल्म में मद्रास कैफ के सहायक भूमिका के साथ ऑन स्क्रीन शुरुआत की, जहां उन्होंने जॉन अब्राहम द्वारा चित्रित एक भारतीय खुफिया अधिकारी की पत्नी रूबी सिंह की भूमिका निभाई, जो भी थी उत्पादन करने वाला। भूमिका निभाने से पहले उन्हें अभिनय कौशल्यों से जुड़ने की समीक्षा करते हुए NDTV की सैबल चटर्जी ने कहा कि राशि खन्ना एक समीक्षक लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति के प्रभाव डालते हैं। मद्रास का बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली हिट फिल्म रही थी और तेलुगु डेब्यू मद्रास कैफ में उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर अभिनेता श्रीनिवास और सारला ने अपने निर्देशक की पहली फिल्म ओहालू गुस्सा गुस्लदे में महिला प्रधान भूमिका के लिए उनसे संपर्क किया और जिसने उन्होंने खुद को और नागा सौर्य को भी मुख्य भूमिका में दिखाया, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2013 के अंत में कई विचार करने के बाद हस्ताक्षरित किया। और अन्य दक्षिण फिल्मों ने कहा कि प्रदर्शन के दायरे ने उन्हें फिल्म साइन करने के लिए प्रेरित किया। राशि खन्ना ने शुरू में महसूस किया कि जब वर्णन किया और संपर्क किया गया तो वह अभिनय के लिए बहुत कम गुंजाइशों के साथ एक नृत्य भूमिका होगी, लेकिन उन्होंने फिल्म के हर दृश्य में अपने चरित्र को व्यवहारिक रूप से पाया और उसने अपने चरित्र को प्रभावित कहकर और एक धूसर जिद्दी अभिमानी लड़की के रूप में लेकिन एक प्यारे तरीके से, जिसे उसने वास्तविक जीवन से बहुत अलग होने का दावा किया। और उनकी अन्य भाषाओं में सफलता और आगे का उत्सव 2015 में वर्तमान उनकी अगली रिलीज संपत नदी द्वारा निर्देशित रवि तेजा के साथ बंगला टाइगर थी। फिल्म की मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और इनके वैश्विक स्तर पर 450 मिलियन US 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और 2015 में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। 2016 में उनकी पहली रिलीज सुप्रीम थी, जिसमें उन्होंने साई धर्म तेज के साथ अभिनय किया और एक व्यावसायिक सफलता थी। आलोचकों ने बेलम श्रीदेवी के रूप में उनके प्रदर्शन में उनके कॉमिक टाइमिंग की प्रशंसा की और एक पुलिस जो उल्लसित परिस्थितियों में आती है और उनकी अगली रिलीज रामपोथी नैनी के साथ दूसरी बार हाइपर थी, जो श्रीमती और समीक्षाओं के लिए खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक औसत ग्रसर थी। 2017 में उनकी पहली रिलीज जय लवकुश थी, जो एंटी रामा राव जूनियर के साथ थी और जो सकारात्मक समीक्षाओं के लिए खुली और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। और बाद में उन्होंने उन्हीं कृष्णा द्वारा निर्देशित मोहनलाल और विशाल अभिनेत्री विलेन के साथ मलयालम में शुरुआत की, जहां उन्होंने फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें समीक्षकों ने एक सख्त जांच करने वाले पुलिस वाले के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 2017 की उनकी आखिरी रिलीज ऑक्सीजन थी, जो उनके साथ दूसरे सहयोग को चिहित करती है। गोपीचंद की मिली जुली समीक्षा को मिली और
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी और 2018 में उनकी पहली रिलीज टच जैसी चोट थी, जिसमें रवि तेजा के साथ उनका दूसरा सहयोग था। हालांकि फिल्म रिलीज से पहले एक बड़े प्रचार पर चली गई, लेकिन बाद में यह मिश्रित से स्थानांतर समीक्षकों से खुल गई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। एक हफ्ते की अवधि में भीतर उनकी अगली रिलीज वरुण तेज के साथ होली प्रेमा थी, जिसे आलोचकों और दर्शकों के सम्मान रूप से प्रशंसा मिली। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री मालविका नायर एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्मों में दिखाई देती है। उनकी उल्लेखनीय कृतियों के ब्लैक बटरफ्लाई 2013 और कोयल 2014 शामिल है। अभिनेत्री मालविका नायर का जन्म दिल्ली में हुआ था और इनकी करियर के बारे में बात करें तो दोस्तों पढ़ाई के दौरान मालविका नायर ने मालडिंग की विभिन्न विज्ञापनों के साथ साथ मोहन और सितारा निर्देशक संगीत वीडियो में दिखाई दिए। बाद में उन्होंने अभिनय प्रस्ताव मिलने लगे और अंत में 13 साल की उम्र में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उनकी पहली कुछ फिल्मों में उनकी छोटी सहायक या छोटी भूमिकाएं थी और उत्तसव होटल में उन्होंने एक गीत अनुक्रम में एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज की, जबकि पुथिया थेरंगल और कर्मयोद्धा में उन्होंने क्रमश और नेदुमुद्दी वेणु की बेटी और मोहनलाल के पत्रों की भूमिका निभाई। उनकी पहली प्रमुख भूमिका रीना के रूप में थी और एक घरेलू नौकरानी जो एक एसिड हमले का सामना करती है। और मलयालम ड्रामा फिल्म ब्लैक बटरफ्लाई 2013 में वह 1899 की रीमेक है। ब्लैक बटरफ्लाई में प्रदर्शन देखने के बाद बालाजी शक्तिवेल और इसके मूल संस्करण के निर्देशक प्रभावित हुए और इच्छुक निर्देशक राजू मुरुंग के उन्हें अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म कोयल 2014 में कास्ट करने की सिफारिश की और उन्होंने फिल्म में एक स्वतंत्र नेत्रहीन लड़की की भूमिका निभाई। और शूटिंग से पहले एक कार्यशाला में भाग लिया, जहां उन्होंने नेत्रहीन लोगों के साथ बातचीत की और दिनेश के साथ जोड़ी बनाते हुए मालविका ने सुंदर थिराकोडी कोम चित्रित किया और उनके चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री अंबिका गौर एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन और तेलुगु फिल्मों में काम करती है। वह बालिका बद्धू में अनादि और ससुराल सिमर का में रोली की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। उन्होंने उदयला और जंपाला 2013 के साथ अपनी तेलुगु फिल्म की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता। उन्होंने सिनेमा 24 मावा केयर और फुटपाथ 2 अकादमिक और पोथावु और चिन्नावद राजू गरी गड्डी 3 और नोट सहित सफल फिल्मों में अभिनय किया। वह टीवी शो में मुख्य भूमिका में भी दिखाई दी
और लाडो बीरपुर की मर्दानी 2019 में गोर फियर और फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 9 पर एक प्रतियोगी थे। और अभिनेत्री अबिका गौर का जन्म 30 जून 1997 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और उसने मुंबई के मुलुंड उपनगर में स्वर्णोक इंग्लिश हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता प्रकाश राज एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और राजनीतिक है। इन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषा की फिल्मों में उनके कामों के लिए जाना जाता है और उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 8 नदी पुरस्कार, 8 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर दक्षिण और 4 SIIM पुरस्कार शामिल है। 3 सिनेमा पुरस्कार और 3 विजय पुरस्कार। कुछ वर्षों में कन्नड़ में स्टेज शो और टेलीविजन में काम करने के बाद राज ने फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने के बालचंद्र द्वारा डुएट 1994 के माध्यम से तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की और तब से तमिल सिनेमा में एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म स्टार में रहे हैं। और याद में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नाम का ड्यूट न्यूज में अपनी मित्र भाषा कन्नड़ का अलावा प्रकाश राज की तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी प्रवाहों ने उन्हें भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाले अभिनेताओं में रखा। और दोस्तों बात करें उनके भाई प्रसाद राज जो एक अभिनेता है, उन्होंने सेट जोसेफ इंडिया हाई स्कूल स्कूली शिक्षा पूरी की और जोसेफ ने कॉलेज ऑफ कार्मर में बेंगलुरु में शामिल हो गए थे। प्रकाश राज की अपने करियर की शुरुआत जर्मनों में जब वो काला क्षेत्र और बेंगलुरु में शामिल हुए तब उन्होंने एक के बाद एक स्टेज शो में 300 प्रति माह के लिए अन्य अभिनय किया और उनके खाते में 2000 स्ट्रीट थिएटर प्रदर्शन है। और प्रकाश ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत दूरदर्शन के सीरियल जैसे बिस्लू और कुद्दू रे कन्नड़ और गुंडा भूत तुल्लु भूमिका निभाई। उन्होंने उनकी संवाद और अदायगी और अभिनय के लिए जाना जाता है। विनोदवर्धन अभिनीत के एस एल स्वामी द्वारा निर्देशित हराया पुरी में अभिनय सफलता भूमिका निभाई। प्रकाश ने 1997 की MS नागाभर्म द्वारा निर्देशित नागा मंडला फिल्म में नागा चैतन्य और राशि खन्ना मुख्य भूमिकाओं में है, जिसमें मालविका और नायर अबिका गौर और साई सुशांत रेड्डी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और दोस्तों थैंक यू मूवी की घोषणा अगस्त 2020 में की गई थी। फिल्म में राशि खन्ना, अबिका गौर और मालविका नायर के साथ नागा चैतन्य है। फिल्म में औपचारिक रूप से अक्टूबर 2020 में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म का संगीत एस थमन द्वारा तैयार किया जा रहा है और मुख्य फोटोग्राफी दशहरा अक्टूबर 2020 से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अंत 21 दिसंबर 2020 को शुरू हुई। और दोस्तों बात करें फिल्म का संगीत फिल्मी स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम थमन एस द्वारा रचित है। संगीत अधिकार आदित्य म्यूजिक द्वारा अधिग्रहित किए गए थे।
दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अक्किनेनी नागा चैतन्य एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने जोश 2009 के साथ अभिनय की शुरुआत की और उनकी सफलता गौतम वासुदेव मेनन निर्देशित और ये माया चेसावेम 2010 के साथ आई। अपने शुरुआती वर्षों में वह 100% लव 2011 और तड़खाम 2013 और मनम 2014 सहित सफल फिल्मों में दिखाई दिए। साथ ही कुछ फिल्मों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उन्होंने कई फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पदार्पण के लिए दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नदी पुरस्कार और शामिल हैं। है सर्वश्रेष्ठ और अभिनेता आलोचक के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता। सुपरस्टार नागा चैतन्य को तब प्रेमम 2016 और मजली 2019, वेंकी मामा 2019, लव स्टोरी 2021 और बंगा राजू 2022 जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया गया था। उन्होंने अक्टूबर 2017 में अभिनेत्री समथा रूथ प्रभु से शादी की, लेकिन अक्टूबर 2021 में अलग हो गए थे। और दोस्तों बात करें सुपरस्टार नागा चैतन्य ने 2009 में वासु वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म में जोश से शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक कॉलेज के छात्रा की भूमिका निभाई और एक नवोदित कलाकार के रूप में नागा चैतन्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके पास ऐसे क्षण हैं जिसे जहां उन्होंने खुद को साबित किया है और हमेशा सुधार की गुंजाइश है और एक उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वह अपने कौशल को सुधारेंगे। और नागा चैतन्य ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्देशित 2010 के रोमांटिक ड्रामा ये माया जैसावे में अभिनय किया, जिसे एक साथ तमिल में बिन्ने थाड़ी और बारुवाया के रूप में एक अलग कलाकार और चर्मोत्सव के साथ शूट किया गया था। उन्होंने एक हिंदू तेलुगु सहाय की भूमिका निभाई, जिसे एक ईसाई मलयाली लड़की से प्यार हो जाता है और उसके सिफिया डॉट कॉम के एक समीक्षक ने लिखा कि नागा चैतन्य रोमांटिक दृश्य में घर पर है और उनकी संपत्ति, उनकी आवाज और उनकी आक्षमिक अभिनय सौलभ चैतन्य ने अपनी पहली फिल्म से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। 2011 में सुकुमार के साथ 100% लव नामक के एक और प्रेम कहानी के लिए जोड़ी बनाई, जिसमें उन्होंने एक अध्ययनशील और अहंकारी कॉलेज के छात्र की भूमिका निभाई, जो उनके कॉलेज का शीर्षक है। और उनकी अगली फिल्म डाडम 2011 थी। फिल्म की कहानी एक इंजीनियरिंग स्नातक छात्रा पर आधारित है, जिसे अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और अगले 10 दिनों में भारत लौटना था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, अपनी पिछली दो फिल्मों में अच्छे प्रदर्शन के बाद सुपरस्टार नागा चैतन्य की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। पूरी फिल्म के उनके चेहरे पर वही भाव रहे और उस वर्ष उनकी अगली रिलीज विवेक कृष्णा द्वारा निर्देशित बेजवाड़ा थी। फिल्म में नागा चैतन्य एक कॉलेज स्टूडेंट शो गैस्टर की भूमिका निभाई थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने इसे अपनी सबसे खराब फिल्म बताया और उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने भी आलोचना की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह फिल्म चैतन्य के करियर की सबसे खराब फिल्म
कहलाने में डांड को भी पीछे छोड़ सकती है। और जबकि युवा अभिनेता को अभी भी अपने चेहरे के भावों पर काम करने की जरूरत है और वह इसमें एक खराब स्केच वाले चित्रित से दुखी था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार राशि खन्ना। दोस्तों बात करें राशि खन्ना एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने पार्श्व गायिका जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल भाषा के फिल्मों में उद्योग में काम करती है। उन्होंने हिंदी फिल्म मद्रास कैफ 2013 के साथ सहायक भूमिका में अभिनय की शुरुआत की और बाद में तेलुगु में ओहालू गुस्सा गुस दले गुस्सा गुस लदे 2014 तमिल में इमाइका नोडीगल 2018 और मलयालम में खलनायक के साथ एक महिला प्रधान के रूप में अपनी शुरुआत की। 2017 में वह बांग्ला टाइगर 2015 सुप्रीम 2016 जय लवकुश 2017 थोली प्रेमा 2018 और माइका नोडीगल 2018 वेंकी मामा 2019 और प्रति रोज पांगडे 2019 जैसी कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दिखाई दिए हैं। अरमानमई थ्री 2021 और खुद को तेलुगु और तमिल सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। अभिनेत्री राशि खन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जोरू 2014 से की और कई अन्य फिल्मों के लिए गाना भी गाया। राशि खन्ना का जन्म 30 नवंबर 1990 को हुआ था और वो दिल्ली के रहने वाले। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल और दिल्ली से की और लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से बीएस अंग्रेजी और नर्स में स्नातक की पढ़ाई की। और खन्ना ने अनुसार वह अकादमिक टॉपर थी और जो अपनी स्कूली शिक्षा कॉलेज के दिनों में बेहद अध्ययनशील धूर्त थी। इनकी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा में पर्दापण और उत्थान 2013 से 2015 तक राशि खन्ना की सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित 2013 की हिंदी राजनीतिक जासूस थ्रिलर फिल्म में मद्रास कैफ के सहायक भूमिका के साथ ऑन स्क्रीन शुरुआत की, जहां उन्होंने जॉन अब्राहम द्वारा चित्रित एक भारतीय खुफिया अधिकारी की पत्नी रूबी सिंह की भूमिका निभाई जो भी थी। उत्पादन करने वाला भूमिका निभाने से पहले उन्हें अभिनय कौशल्यों से जुड़ने की समीक्षा करते हुए एनडीटीवी की सैबल चटर्जी ने कहा कि राशि खन्ना एक समीक्षक लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति के प्रभाव डालते हैं। मद्रास कैफ बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली हिट फिल्म रही थी और तेलुगु डेब्यू मद्रास कैफ में उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर अभिनेता श्रीनिवास और सरला ने अपने निर्देशक की पहली फिल्म ओहालू गुस्सा गुस लदे में महिला प्रधान भूमिका के लिए उनसे संपर्क किया और जिसने उन्होंने खुद को और नागा सौर्य को भी मुख्य भूमिका में दिखाया, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2013 के अंत में कई विचार करने के बाद हस्ताक्षरित किया। और अन्य दक्षिण फिल्मों ने कहा कि प्रदर्शन के दायरे ने उन्हें फिल्म साइन करने के लिए प्रेरित किया।
राशि कन्या ने शुरू में महसूस किया कि जब वर्णन किया और संपर्क किया गया तो वह अभिनय के लिए बहुत कम गुंजाइशों के साथ एक नृत्य भूमिका होगी, लेकिन उन्होंने फिल्म के हर दृश्य में अपने चित्रित को अपने चरित्र को व्यवहारिक रूप से पाया और उसने अपने चरित्र को प्रभावित कहकर और एक धूसर जिद्दी अभिमानी लड़की के रूप में लेकिन एक प्यारे तरीके से, जिसे उसने वास्तविक जीवन से बहुत अलग होने का दावा किया। और उनकी अन्य भाषाओं में सफलता और आगे का उत्सव 2015 में वर्तमान उनकी अगली रिलीज संपत नदी द्वारा निर्देशित रवि तेजा के साथ बंगला टाइगर थी। फिल्म की मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और इनके वैश्विक स्तर पर 450 मिलियन US 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और 2015 में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। 2016 में उनकी पहली रिलीज सुप्रीम थी, जिसमें उन्होंने साई धर्म तेज के साथ अभिनय किया और एक व्यावसायिक सफलता थी। आलोचकों ने बेलम श्रीदेवी के रूप में उनके प्रदर्शन में उनके कॉमिक टाइमिंग की प्रशंसा की और एक पुलिस जो उल्लसित परिस्थितियों में आती है और उनकी अगली रिलीज रामपोथी नैनी के साथ दूसरी बार हाइपर थी, जो श्रीमती और समीक्षाओं के लिए खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक औसत ग्रसर थी। 2017 में उनकी पहली रिलीज जय लवकुश थी, जो एंटी रामा राव जूनियर के साथ थी और जो सकारात्मक समीक्षाओं के लिए खुली और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। और बाद में उन्होंने उन्हीं कृष्णा द्वारा निर्देशित मोहनलाल और विशाल अभिनेत्री विलेन के साथ मलयालम में शुरुआत की, जहां उन्होंने फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें समीक्षकों ने एक सख्त जांच करने वाले पुलिस वाले के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 2017 की उनकी आखिरी रिलीज ऑक्सीजन थी, जो उनके साथ दूसरे सहयोग को चिहित करती है। गोपीचंद की मिली जुली समीक्षा को मिली और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी और 2018 में उनकी पहली रिलीज टच जैसी चोड़ थी, जिसमें रवि तेजा के साथ उनका दूसरा सहयोग था। हालांकि फिल्म रिलीज से पहले एक बड़े प्रचार पर चली गई, लेकिन बाद में यह मिश्रित से स्थानांतर समीक्षकों से खुल गई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। एक हफ्ते की अवधि में भीतर उनकी अगली रिलीज वरुण तेज के साथ होली प्रेमा थी, जिसे आलोचकों और दर्शकों के सम्मान रूप से प्रशंसा मिली। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री मालविका नायर एक भारतीय अभिनेत्री है, जो तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्मों में दिखाई देती है। उनकी उल्लेखनीय कृतियों के ब्लैक बटरफ्लाई 2013 और कोयल 2014 शामिल है। अभिनेत्री मालविका नायर का जन्म दिल्ली में हुआ था और इनकी करियर के बारे में बात करें तो दोस्तों, पढ़ाई के दौरान मालविका नायर ने मॉडलिंग की विभिन्न विज्ञापनों के साथ मोहन और सितारा निर्देशक संगीत वीडियो में दिखाई दिए।
बाद में उन्होंने अभिनय प्रस्ताव मिलने लगे और अंत में 13 साल की उम्र में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उनकी छोटी सहायक या छोटी भूमिकाएं थी और उत्तर सह होटल में उन्होंने एक गीत अनुक्रम में एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज की, जबकि पुतिया थेरंगल और कर्म योद्धा में उन्होंने क्रमश और नेदुमुद्दी वेनु की बेटी और मोहनलाल के पत्रों की भूमिका निभाई। उनकी पहली प्रमुख भूमिका रीना के रूप में थी और एक घरेलू नौकरानी जो एक एसिड हमले का सामना करती है। और मलयालम ड्रामा फिल्म ब्लैक बटरफ्लाई 2013 में वज हक्कुल 1899 की रीमेक है। ब्लैक बटरफ्लाई में उन्होंने और तेलुगु भाषा में रिलीज होगा। थैंक यू एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका डायरेक्टर विक्रम कुमार ने बीबीएस रवि द्वारा लिखित और कहानी से किया है। यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिलराजू और श्री सीरीज द्वारा निर्मित है। फिल्म में नागा चैतन्य और राशि खन्ना मुख्य भूमिकाओं में है, जिसमें मालविका और नायर अविका गौर और साई सुशांत रेड्डी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और दोस्तों, थैंक यू मूवी की घोषणा अगस्त 2020 में की गई थी। फिल्म में राशि खन्ना, अविका गौर और मालविका नायर के साथ नागा चैतन्य है। फिल्म में औपचारिक रूप से अक्टूबर 2020 में एक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म का संगीत एस थमन द्वारा तैयार किया जा रहा है और मुख्य फोटोग्राफी दशहरा अक्टूबर 2020 से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अंत 21 दिसंबर 2020 को शुरू हुई। और दोस्तों, बात करें फिल्म का संगीत फिल्मी स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम थमन एस द्वारा रचित है। संगीत अधिकार आदित्य म्यूजिक द्वारा अधिगृहित किए गए थे। दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अक्किनेनी नागा चैतन्य एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने जोश 2009 के साथ अभिनय की शुरुआत की और उनकी सफलता गौतम वासुदेव मेनन निर्देशित और ये माया चेसावे 2010 के साथ आई। अपने शुरुआती वर्षों में वह 100% लव 2011 और तड़खाम 2013 और मनम 2014 सहित सफल फिल्मों में दिखाई दिए। साथ ही कुछ फिल्मों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उन्होंने कई फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पदार्पण के लिए दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नदी पुरस्कार और शामिल है। सर्वश्रेष्ठ और अभिनेता आलोचक के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता। सुपरस्टार नागा चैतन्य को तब प्रेमम 2016 और मजली 2019, वेंकी मामा 2019, लव स्टोरी 2021 और बंगाराजू 2022 जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया गया था। उन्होंने अक्टूबर 2017 में अभिनेत्री समथा रूथ प्रभु से शादी की, लेकिन अक्टूबर 2021 में अलग हो गए थे। और दोस्तों, बात करें सुपरस्टार नागा चैतन्य ने 2009 में वासु वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म जोश से शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक कॉलेज के छात्रा की भूमिका निभाई और एक नवोदित कलाकार के रूप में नागा चैतन्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके पास ऐसे क्षण है जहां उन्होंने खुद को साबित किया है और हमेशा सुधार की गुंजाइश है और एक उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वह अपने कौशल को सुधारेंगे। और नागा चैतन्य ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार जीता।
इसके बाद उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्देशित 2010 के रोमांटिक ड्रामा ये माया जसावे में अभिनय किया, जिसे एक साथ तमिल में बिन्ने थाड़ी और बारुवाया के साथ बारुवाया के रूप में एक अलग कलाकार और चर्मोत्सव के साथ शूट किया गया था। उन्होंने एक हिंदू तेलुगु सहाय की भूमिका निभाई, जिसे एक ईसाई मलयाली लड़की से प्यार हो जाता है। और उसके सोफिया डॉट कॉम के एक समीक्षक ने लिखा कि नागा चैतन्य रोमांटिक दृश्य में घर पर है और उनकी संपत्ति, उनकी आवाज और उनकी आकस्मिक अभिनय सोलो चैतन्य ने अपनी पहली फिल्म से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। 2011 में सुकुमार के साथ 100% लव नामक के एक और प्रेम कहानी के लिए जोड़ी बनाई, जिसमें उन्होंने एक अध्ययनशील और अहंकारी कॉलेज के छात्र की भूमिका निभाई, जो उनके कॉलेज का शीर्षक है। और उनकी अगली फिल्म डाडम 2011 थी। फिल्म की कहानी एक इंजीनियरिंग स्नातक छात्रा पर आधारित है, जिसे अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और अगले 10 दिनों में भारत लौटना था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, अपनी पिछली दो फिल्मों में अच्छे प्रदर्शन के बाद सुपरस्टार नागा चैतन्य की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। पूरी फिल्म के उनके चेहरे पर वही भाव रहे और उस वर्ष उनकी अगली रिलीज विवेक कृष्णा द्वारा निर्देशित बेजवाड़ा थी। फिल्म में नागा चैतन्य एक कॉलेज स्टूडेंट शो गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने इसे अपनी सबसे खराब फिल्म बताया और उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने भी आलोचना की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह फिल्म चैतन्य के करियर की सबसे खराब फिल्म कहलाने में डांड को भी पीछे छोड़ सकती है, और जबकि युवा अभिनेता को अभी भी अपने चेहरे के भाव पर काम करने की जरूरत है और वह इसमें एक खराब स्केच वाले चित्रित से दुखी था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार राशि खन्ना। दोस्तों बात करें राशि खन्ना एक भारतीय अभिनेत्री है, जिन्होंने पार्श्व गायिका जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल भाषा के फिल्मों में उद्योग में काम करती है। उन्होंने हिंदी फिल्म मद्रास कैफ 2013 के साथ सहायक भूमिका में अभिनय की शुरुआत की और बाद में तेलुगु में ओ हालू गुस्सा गुस्सा लदे 2014, तमिल में इमाइका नोडिगल 2018 और मलयालम में खलनायक के साथ एक महिला प्रधान के रूप में अपनी शुरुआत की। 2017 में वह बांग्ला टाइगर, 2015 सुप्रीम, 2016 जय लवकुश, 2017 थोली प्रेमा, 2018 और माइका नोडी गर्ल 2018, वेंकी मामा 2019 और प्रतिरोज पांडे 2019 जैसी कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दिखाई दिए हैं। अरमानमई थीरी 2021 और खुद को तेलुगु और तमिल सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। अभिनेत्री राशि खन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जोरू 2014 से की और कई अन्य फिल्मों के लिए गाना भी गाया। राशि खन्ना का जन्म 30 नवंबर 1990 को हुआ था और वो दिल्ली के रहने वाले। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल और दिल्ली से की और लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से
बीएस अंग्रेजी और अनर्स में स्नातक की पढ़ाई की। और खन्ना ने अनुसार वह अकादमिक टॉपर थी और जो अपनी स्कूली शिक्षा कॉलेज के दिनों में बेहद अध्ययनशील धुर्द थी। इनकी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा में पर्दापण और उत्थान 2013 से 2015 तक। राशि खन्ना की सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित 2013 की हिंदी राजनीतिक जासूस थ्रिलर फिल्म में मद्रास कैफ के सहायक भूमिका के साथ ऑन स्क्रीन शुरुआत की, जहां उन्होंने जॉन अब्राहम द्वारा चित्रित एक भारतीय खुफिया अधिकारी की पत्नी रूबी सिंह की भूमिका निभाई, जो भी थी उत्पादन करने वाला। भूमिका निभाने से पहले उन्हें अभिनय कौशल्यों से जुड़ने की समीक्षा करते हुए एनडीटीवी की सैबल चटर्जी ने कहा कि राशि खन्ना एक समीक्षक लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति के प्रभाव डालते हैं। मद्रास का बॉक्स ऑफिस पर सैकड़ों से अधिक की कमाई करने वाली हिट फिल्म रही थी और तेलुगु डेब्यू मद्रास कैफ में उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर अभिनेता श्रीनिवास और सारला ने अपने निर्देशक की पहली फिल्म ओहालू गुस्सा गुस्लदे में महिला प्रधान भूमिका के लिए उनसे संपर्क किया और जिसमें उन्होंने खुद को और नागा सौर्य को भी मुख्य भूमिका में दिखाया, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2013 के अंत में कई विचार करने के बाद हस्ताक्षरित किया। और अन्य दक्षिण फिल्मों ने कहा कि प्रदर्शन के दायरे ने उन्हें फिल्म साइन करने के लिए प्रेरित किया। राशि खन्ना ने शुरू में महसूस किया कि जब वर्णन किया और संपर्क किया गया तो वह अभिनय के लिए बहुत कम गुंजाइशों के साथ एक नृत्य भूमिका होगी, लेकिन उन्होंने फिल्म के हर दृश्य में अपने चरित्र को व्यवहारिक रूप से पाया और उसने अपने चरित्र को प्रभावित कहकर और एक धूसर जिद्दी अभिमानी लड़की के रूप में लेकिन एक प्यारे तरीके से, जिसे उसने वास्तविक जीवन से बहुत अलग होने का दावा किया। और उनकी अन्य भाषाओं में सफलता और आगे का उत्सव 2015 में वर्तमान। उनकी अगली रिलीज संपत नदी द्वारा निर्देशित रवि तेजा के साथ बंगला टाइगर थी। फिल्म की मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही और इनके वैश्विक स्तर पर 450 मिलियन यूएस 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और 2015 में आठवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। 2016 में उनकी पहली रिलीज सुप्रीम थी, जिसमें उन्होंने साई धर्म तेज के साथ अभिनय किया और एक व्यावसायिक सफलता थी। आलोचकों ने बेलम श्रीदेवी के रूप में उनके प्रदर्शन में उनके कॉमिक टाइमिंग की प्रशंसा की और एक पुलिस जो उल्लासित परिस्थितियों में आती है और उनकी अगली रिलीज रामपोथी नैनी के साथ दूसरी बार हाइपर थी, जो श्रीमती और समीक्षाओं के लिए खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक औसत ग्रॉसर थी। 2017 में उनकी पहली रिलीज जय लवकुश थी, जो एंटी रामाराव जूनियर के साथ थी और जो सकारात्मक समीक्षाओं के लिए खुली और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। और बाद में उन्होंने भी उन्हीं उन्नी कृष्णा द्वारा निर्देशित मेहन
मोहनलाल और विशाल अभिनेता अभिनेत्री विलेन के साथ मलयालम में शुरुआत की, जहां उन्होंने फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें समीक्षकों ने एक सख्त जांच करने वाले पुलिस वाले के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 2017 की उनकी आखिरी रिलीज ऑक्सीजन थी, जो उनके साथ दूसरे सहयोग को चिहित करती है। गोपीचंद की मिली जुली समीक्षा को मिली और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी और 2018 में उनकी पहली रिलीज टच जैसी चोड़ थी, जिसमें रवि तेजा के साथ उनका दूसरा सहयोग था। हालांकि फिल्म रिलीज से पहले एक बड़े प्रचार पर चली गई, लेकिन बाद में यह मिश्रित से स्थानांतर समीक्षकों से खुल गई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। एक हफ्ते की अवधि में भीतर उनकी अगली रिलीज वरुण तेज के साथ होली प्रेमा थी, जिसे आलोचकों और दर्शकों के सम्मान रूप से प्रशंसा मिली। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री मालविका नायर एक भारतीय अभिनेत्री है, जो तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्मों में दिखाई देती है। उनकी उल्लेखनीय कृतियों के ब्लैक बटरफ्लाई 2013 और कोयल 2014 शामिल है। अभिनेत्री मालविका नायर का जन्म दिल्ली में हुआ था और इनकी करियर के बारे में बात करें तो दोस्तों, पढ़ाई के दौरान मालविका नायर ने मालडिंग की विभिन्न विज्ञापनों के साथ साथ मोहन और सितारा निर्देशक संगीत वीडियो में दिखाई दिए। बाद में उन्होंने अभिनय प्रस्ताव मिलने लगे और अंत में 13 साल की उम्र में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उनकी छोटी सहायक या छोटी भूमिकाएं थी और उत्तसव होटल में उन्होंने एक गीत अनुक्रम में एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज की, जबकि पुतिया थेरंगल और कर्म योद्धा में उन्होंने क्रमश और नेदुमुद्दी वेनु की बेटी और मोहनलाल के पत्रों की भूमिका निभाई। उनकी पहली प्रमुख भूमिका रीना के रूप में थी और एक घरेलू नौकरानी जो एक एसिड हमले का सामना करती है। और मलयालम ड्रामा फिल्म ब्लैक बटरफ्लाई 2013 में वज हक्कुल 1899 की रीमेक है। फिल्म ब्लैक बटरफ्लाई में प्रदर्शन देखने के बाद बालाजी शक्तिवेल और इसके मूल संस्करण के निर्देशक प्रभावित हुए और इच्छुक निर्देशक राजू मुरुंग के उन्हें अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म कोयल 2014 में कास्ट करने की सिफारिश की और उन्होंने फिल्म में एक स्वतंत्र नेत्रहीन लड़की की भूमिका निभाई। और शूटिंग से पहले एक कार्यशाला में भाग लिया, जहां उन्होंने नेत्रहीन लोगों के साथ बातचीत की और दिनेश के साथ जोड़ी बनाते हुए मालविका ने सुंदर थिराकोडी कोम चित्रित किया और उनके चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री अंबिका गौर। अंबिका गौर एक भारतीय अभिनेत्री है, जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन और तेलुगु फिल्मों में काम करती है। वह बालिका बद्धू में अनादि और ससुराल सिमर का में रोली की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। उन्होंने
उन्होंने उदयला और जंपाला 2013 के साथ अपनी तेलुगु फिल्म की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता। उन्होंने सिनेमा 24 मावा केयर ऑफ फुट पार्ट 2 अकादमिक और पोथावु और चिन्नावद राजू गरी गड्डी 3 और नोट सही सफल फिल्मों में अभिनय किया। वह टीवी शो में मुख्य भूमिका में भी दिखाई दी और लाडो बीरपुर की मर्दानी 2019 में गोर फियर और फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 9 पर एक प्रतियोगी थे। और अभिनेत्री अबिका गौर का जन्म 30 जून 1997 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और उसने मुंबई के मुलुंग उपनगर में सोरनोक इंग्लिश हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता प्रकाश राज एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और राजनीतिक है। इन्होंने कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम और हिंदी भाषा की फिल्मों में उनके कामों के लिए जाना जाता है और उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 8 नदी पुरस्कार, 8 तमिलनाडु राज्य पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर दक्षिण और 4 SIIM पुरस्कार शामिल है। 3 सिनेमा पुरस्कार और 3 विजय पुरस्कार। कुछ वर्षों में कन्नड़ में स्टेज शो और टेलीविजन में काम करने के बाद राज ने फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने के बालचंद्र द्वारा डुएट 1994 के माध्यम से तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की और तब से तमिल सिनेमा में एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म स्टार में रहे हैं। और याद में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नाम का ड्यूट न्यूज में अपनी मित्रभाषा कन्नड़ के अलावा प्रकाश राज की तमिल तेलुगु मलयालम मराठी हिंदी और अंग्रेजी प्रवाहों ने उन्हें भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाले अभिनेताओं में रखा। और दोस्तों बात करें उनके भाई प्रसाद राज जो एक अभिनेता है, उन्होंने सेट जोसेफ इंडिया हाई स्कूल स्कूली शिक्षा पूरी की और जोसेफ ने कॉलेज ऑफ कार्मर में बेंगलुरु में शामिल हो गए थे। प्रकाश राज की अपने करियर की शुरुआत जर्मनों में जब वो काला क्षेत्र और बेंगलुरु में शामिल हुए तब उन्होंने एक के बाद एक स्टेज शो में 300 प्रति माह के लिए अन्य अभिनय किया और उनके खाते में 2000 स्ट्रीट थिएटर प्रदर्शन है। और प्रकाश ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत दूरदर्शन के सीरियल जैसे बिस्लु और कुद्दू रे कन्नड़ और गुंडा भूत तुल्लु भूमिका निभाई। उन्होंने उनकी संवाद और अदायगी और अभिनय के लिए जाना जाता है। विनोदवर्धन अभिनीत के एस एल स्वामी द्वारा निर्देशित हराया पुरी में अभिनय सफलता भूमिका निभाई। प्रकाश ने 1997 की MS नागाभर्म द्वारा निर्देशित नागा मंडला के माध्यम से कन्नड़ फिल्म में फिर से प्रवेश किया और जिसे 1997 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय पैनोरमा के लिए चुना गया था। और वह मणि रत्न के स्टेज शो नेत्रू इंद्रू रामचंद्रन और एम
करुणा निधि के बीच संबंध संबंध पर आधारित, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, और दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।